चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह गुरुवार को औचक रूप से ब्यावर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने राजकीय अमृत को चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सीसीयू, ट्रोमा, मेल फीमेल वार्ड, निःशुल्क दवा काउंटर, आईसीयू वार्ड, गायनिक वार्ड तथा रोगी पंजीयन काउंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सिंह ने उपस्थित कार्मिकों को मुश्तैदी से कार्य करते हुए रोगी सेवा को अपना प्रथम ध्येय बताया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल को एमसीएच पहुंचे डॉक्टर सिंह ने शिशु वार्ड तथा गायनिक वार्ड का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विगत लंबे समय से शिशु वार्ड में चिकित्सकों में चल रही आपसी खींचतान पर बातचीत करते हुए वहां उपस्थित चिकित्सकों से ड्यूटी के दौरान गंभीर रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर देखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सिंह ने वर्तमान में अस्पताल में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का भी निरीक्षण किया। अस्पताल निरीक्षण के पश्चात मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह समस्या प्रदेश भर में चल रही है, इसके लिए सरकार की ओर से नई भर्ती शुरू की है। शीघ्र ही नई भर्ती में अस्पताल को नए चिकित्सक मिलेंगे। रोगी को दवा प्राप्त करने के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर चक्कर काटने की मजबूरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी काउंटरों पर सभी प्रकार की दवा उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन कई बार जब किसी काउंटर पर दवा खत्म हो जाती है तो ऐसी स्थिति में काउंटर वाले रोगी को अगले काउंटर पर भेज देता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दवा खत्म होते ही संबंधित कर्मचारियों को शीघ्र ही दवा का स्टॉक पूरा करना चाहिए, इसकी पुख्ता व्यवस्था करवा दी जाएगी। अस्पताल के गायनिक चिकित्सकों के बीच चल रही आपसी खींचतान के सवाल पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोई खास बात नहीं है, यह अस्पताल प्रशासन का मसला है जिसे ठीक कर दिया जाएगा। अस्पताल निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक डॉक्टर सिंह ने अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान तथा डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर एम के अग्रवाल स्टाफ की कमी तो नहीं होती मेरे ख्याल से। आई थिंक स्टाफ है, डॉक्टर्स की कुछ पोस्टें खाली हैं, है ना। नर्सिंग स्टाफ की आई थिंक ज़्यादा पोस्टें खाली नहीं है यहाँ, लेकिन अभी भर्ती हो रही हैं नर्सिंग स्टाफ्स की, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली सब जगह स्टाफ आना है तो यहाँ भी आ जाएगा। सर एक ये मेडिकल की जो दुकानें हैं दवाइयों की, काफ़ी अलग अलग जगह, एक अंदर है एक इधर है, तो पेशेंट को काफ़ी जगह घूमना पड़ता है। वो पहले तो लाइन में लगता है TDC, उसके बाद में उसको जब उसका नंबर आता है उसको पता लगता है कि आपको तो दो नंबर काउंटर पे जाना है। अच्छा तो नहीं इसके लिए चलो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसकी आज ही मैं व्यवस्था करा के जाता हूँ कि किसी कोई पेशेंट किसी काउंटर पर नहीं पहुँचता तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम दवाएँ काउंटर पर उपलब्ध हो। ये यहाँ थोड़ा हो सकता है कि खुद का डेली का वो जो मेडिसिन ख़त्म होती है उनको नहीं देख पाता, क्योंकि जैसे कोई मेडिसिन खत्म हो गई तो वो कहेगा सब पास वाले काउंटर पे। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम दवाई ईच एवरी मेडिसिन अवेलेबल ऑन DDC पर, मरीज को एक DDC से दूसरी DDC पर जाना, ये तो हम आज ही इसको करवा देंगे। थोड़ा सा ही हमारे जो दवाई देने वाले होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि मेरी दवाई खत्म होगी टाइमली, उसने इंडन नहीं मांगा तो वो कहेगा साहब मेरे पास नहीं है, लेकिन दवाई होते हुए पास वाले में भेजेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये आम प्रॉब्लम है तो इसको तो आज ही इसको इम्प्रूव करवा देंगे। ये सर ये डॉक्टरों की लड़ाई चल रही है आपस के अंदर शिशु वार्ड की भर्ती को लेकर, क्या जैसे मरीज जैसे डॉक्टर को भी डॉक्टर जैसे अपना मरीज है तो पांच डॉक्टर मरीज अपने होने चाहिए, तो उनके आपस में ही झगड़ा चल रहा है। इनका बच्चों के डॉक्टर में हार्ट के डॉक्टरों में या कोई भी डॉक्टर ऐसा है तो मैं अभी हूँ यहाँ पर, अभी जैसे OPD खत्म हो जाए तो मैं PO साहब से बात करें, डॉक्टर से बैठा के एक्चुअली जानना चाहेंगे कि इनकी चल रही है लड़ाइयाँ। ऐसे लड़ाइयाँ तो नहीं होती, मरीज़ को लेकर ही डॉक्टर्स में आपस में खींचतान होती है कि एक मरीज़ डॉक्टर चला गया दूसरा मरीज़ चला गया तो फिर कहते हैं आपस में। चलो ये आपने अच्छी बात बताई है, DPO साहब से भी 2 बजे तक है OPD, 2 बजे तक है ना OPD, बात करते हैं सभी डॉक्टर्स को।